हाँ जी नमस्कार सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद जो ये धार्मिक उसके उसके लिए आपको के जो मतलब जो तकरार चल रही है उसके लिए आप हर परेशानी को लोगों की को पहचान कर आगे तक पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये कहाँ से बोल ऑडियो रहे जुड़ा। हैं? हम तो करौली राजस्थान से बोल रहे हैं। राजस्थान से बोल रहे हैं। अच्छा साहब, अच्छा, जी जी चलिए हाँ चलिए। जी देखता हूँ मैं आपकी सारी वीडियो देखी थी वो करौली सरकार का और पंडोकर सरकार की मनु भैया के लिए बोली थी कि भैया आपस में अपनी अपनी शक्तियों का अच्छा प्रदर्शन करो। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी है कि जो मनुष्य के लिए भी आम जनता के लिए भी अच्छा है कि मतलब जो परेशान है तो कोई दरबार में वो कर रहे हैं कि हवन वगैरह कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो मतलब वो सही भी हो रहा है और आप जो नहीं हो रहे सही उनको गुरुजी तक पहुंचा भी रही है। तो अच्छा लगा आपका वीडियो। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपका क्या नाम सर? संतोष हमारा संतोष है सर हमारा नाम तो। जी बोल रहे हैं। चलिए संतोष जी, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की प्रतिक्रियाएं हमें उत्साह देती है। हमने सब्सक्राइब भी कर लिया मैं। चलो संजय सर कम से कम ये तो है कि एक मोहरा बन के हर दुख दर्द को दरबारों तक पहुंचा रहे हैं चाहे वो पंडोकर सरकार हो चाहे वो बिल्कुल मनु बिल्कुल भैया हो चाहे करौली बिल्कुल सरकार बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा मकसद यही है, देखिए हम सब दरबारों का जी सम्मान करते हैं। हमारा मकसद हाँ ये है कि अगर व्यक्ति के जो श्रद्धालु भक्त हैं, जी जो सर आस्था रखते हैं, उनके मन में हाँ अगर कहीं तकलीफ है और अगर वो बोल हाँ नहीं पा रहे हैं या वो दरबार के जी लोग सुन नहीं रहे हैं, जी तो जी उस बात को उन तक भी पहुंचाया जाए जिनका दरबार है, जो दरबार चला रहे हैं, और उन तक भी जी पहुंचाया जाए जो लोग जाने की सोच रहे हैं, जी 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 हाँ ताकि उन्हें पता चले कि भाई कहाँ जा रहे हैं हम, क्या सच्चाई है, कितना सच है, कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, हाँ जी ये पता चले। ये बाकी हमें सही कोई अर्थ नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है कि कोई, हाँ सही है हमारा अर्थ यही है कि जब आप अच्छा काम कर रहे हो और लोग जी आपको आस्था से आपके चरणों में बैठ रहे हैं, तो फिर जी उनकी सार संभाल कीजिए, जी बस उतना ही मकसद है। बाकी हमारा कोई काम नहीं है कि हम आपकी निगरानी करें या हम आप सही है पर सर सही आक्षेप लगाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। है इतने सालों से हम मतलब इस हाँ क्षेत्र में हैं और कई महीनों से सही हम इनको देख रहे हैं, उनके वीडियोस देख रहे हैं। हाँ सही सही कई है बार सर हमारे मन में भी कुछ सवाल उठे थे, लेकिन हम इसलिए चुप थे कि भाई हाँ ठीक है, जब लोग नहीं बोल रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है, तो सही फिर है सर हमें छोटे मोटे सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ ना सही है सर लेकिन जब आपस में ही तनातनी हुई तो हमें लगा कि ये तो बिजनेस की प्रतिस्पर्धा लग रही है कि कहीं एक जी भीड़ इधर न चली जाए, कहीं भीड़ उधर न चली जाए। जी 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 इसलिए हाँ ये हमने तो सर दोनों से निवेदन किया कि भैया आप सही है शांति रखिए, सम्मान से बात कीजिए, आप जिस सही है गद्दी पर हाँ बैठे हैं वहां पर इस तरह की तकरार अच्छी नहीं होती। चलिए सही है सर। नहीं तो ये हाँ कोई ये सर जैसे मैं करौली सरकार का भक्त हूँ और मतलब सम्मान तो आपकी तरह मैं भी सभी का ही करता हूँ 33 कोटि देवी देवताओं का। जी क्योंकि सम्मान तो देखो ऐसा ही बालाजी महाराज है और ऐसा ही शनिदेव महाराज है और ऐसा ही भगवान भोलेनाथ है और ऐसे ही सारी दुर्गा माता जो भी है देख सब समान ही संतोष है। जी, दैविक शक्तियों का सम्मान तो है ही है, उसमें तो हाँ कोई बात ही जी नहीं है, उनको तो प्रणाम करते हैं, हाँ नमन करते हैं, लेकिन उन जी शक्तियों के साधकों का भी सम्मान करते हैं कि उन्होंने बहुत हाँ बड़ी उनका समय जी दिया है, साधना की है, जप किया हाँ है, तप जी किया है, बिल्कुल मंत्र किया है, जी जी तो हम उनका भी जी सम्मान सच करते हैं, लेकिन बात शक्तियों का सदुपयोग होना चाहिए। और दुखी है आदमी जो आपके पास आया है, उसने आपके कहे जी अनुसार सब काम किया है, फिर वो हाँ आदमी दुखी क्यों रहे? अब उसमें तो सर ऐसा है ना कि दुखी तो देखो कुछ तो अपने कर्म भोग भी होते हैं जी मैं वो मानता हूं, कर्म भोग हाँ होते हैं। देखिए जी कर्म भोग होते हैं, समस्या के समाधान के लिए भी आदमी कहीं जाता है और कहीं उलझने के लिए हाँ भी जाता है, वो भी हाँ कर्म भोग जी ले आते हैं। लेकिन हाँ वो अगर कर्म भोग अगर किसी दरबार में अगर ये कहा जाता है, जो दरबार ये कहते हैं कि भाई हमारे पास आने से हम इन सभी चीजों से आपको मुक्ति दिला देंगे, आपके कष्ट खत्म कर देंगे, जी और वो जब व्यक्ति आता है तो आपको अपने कष्ट तो बता ही देता है, आपको पता ही चल हाँ जाता है कि व्यक्ति किस कष्ट से जी आया है। जी जी अगर आपको लगता है कि आपके पास उसका समाधान नहीं है, उसके कर्म फल ही हाँ ऐसे हैं, जी तब फिर आप उसे सीधा ही भेज दीजिए।
कि भाई आप करो मत करो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके कर्म फल ऐसे ही हैं, और आप करोगे तो आपको इतना ही लाभ मिलेगा, ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, आप अपेक्षा मत रखना। जी जी जी, तो वो बात क्लियर होनी चाहिए ना। आज व्यक्ति जो है अपना समय देता है, अपनी मेहनत, अपने अपनी पूंजी देता है, अपना विश्वास देता है, है ना। सही, अपना मकसद वही है, अपना सबके प्रति सम्मान है, अपन किसी के ना तो पक्ष में है ना किसी के विपक्ष में, जी जी होना भी चाहिए, अपना कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। जनता की आवाज जो आएगी हम उन सवालों को उनके सामने रखेंगे ना। सर ये एक बात है सर, जैसे अब मैं भी क्या है ये इस परेशानी से कई सालों से जुझरा था, तो हमारे राजस्थान में ही एक सजाड़ा धाम है, सजाड़ा नाम का गांव है जोधपुर, जोधपुर के पास है सजाड़ा गांव। तो बाबा धाम त्रिलोक भारती संत जी है, जो वहां भी कोई पंडित पुजारी नहीं बैठते, ना कोई भगत बैठता, बस उसके फेरी लगाओ और अपने अरदास लगाओ और वो शिव शक्ति के अनुसार वहाँ सारे कार्य होते हैं। लेकिन वहाँ नमन की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लोग 10-10 साल भी वहाँ जाते हैं, 10-10 साल। तो मैं भी गया था वहाँ पे जी, और फिर उसके बाद मैंने करौली सरकार देखा। करौली सरकार के में आपका अनुभव अच्छा रहा? हाँ अनुभव अच्छा रहा। चलिए बहुत अच्छी बात है, जब कोई अच्छा अनुभव आता है हमें अच्छा लगता है। हमें सवाल उठाना संतोष जी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी में उठाना पड़ता है। हाँ हाँ ये बात सही है, सही है। मजबूरी में उठाना पड़ता है, क्योंकि हम फिर अगर पब्लिक की बात नहीं उठाएंगे, लोग तो डर से नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं बोलते वही तो, और क्या सर। और जब उन्हें अब ये पता चला है कि आपस में तकरार हुई है, वीडियो बन रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, तब लोग हमसे बात बता रहे हैं अपनी। नहीं बात तो इसलिए बता रहे हैं सर कि आपके चैनल के माध्यम से क्या पूरे वर्ल्ड में जाएगा, और फिर गुरुजियों जा रहा है सब, और उन तक भी जा रहा है निश्चित रूप से, और उन तक भी जाएगा, उनको भी जा रहा है, वे भी समझेंगे। हम ऐसा करते हैं, वे भी समझेंगे कि अगर कहीं लोगों के मन में असंतोष है तो उसको कैसे दूर किया जाए। नहीं एक बात तो है सर बताऊं, जो करौली सरकार है, जो मतलब पूजनीय गुरु जी है, तो जैसे बाबा जी आदेश देते हैं उनको, अब देखो सबकी भक्ति शक्ति से एक एक तरह से फेस टू फेस बात होती बाबा जी की गुरु जी से। तो जैसे ही बाबा जी आदेश देते हैं और जैसे ही उनको लगता है कि भगत परेशान है, तो पहले जो असर का संकल्प चल रहा है, विशेषकर सारे संकट पूर्वज मुक्त होने के बाद, तो सर ये असर ही रहता है जो परेशान करता है किसी को, जो भी 2-5-10% रहता है। तो इसमें गुरुजी ने तो मान लो कि ऑनलाइन भी असर का संकल्प पहले शनिवार को बिल्कुल मैंने देखा है मैं देखता हूँ उनके वीडियो, वो ऑनलाइन लोगों का इलाज करते हैं। तो अच्छी बात है भाई, देखिए शक्ति तो है ही है, साधक तो है ही है, उसमें कहीं कोई हमारा सवाल थोड़ी है। सही, लेकिन सही आपका परिवार जब इतना बड़ा हो गया, आपके पास लोग आते जा रहे हैं, तब फिर आपको ख्याल भी रखना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपके पास शक्तियां हैं, आप उन शक्तियों से ख्याल रखवाइए, क्योंकि आपके यहाँ नियम है कि आपके पास कोई आ जाए तो फिर दूसरे के पास नहीं जा सकता। मुल्ला मौलवी किसी पास किसी के पास नहीं जा सकता, तो जब वो किसी के पास नहीं जा सकता तो फिर वो कहाँ जाएगा, फिर तो वो आपसे ही बात करेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। हाँ नहीं सर, और उसमें ये है कि ठीक है, गुरु जी का एक कारण भी है कि जो मतलब मिलने का जो पैसे ले रहे है उनका, कि एक कारण तो ये सर के देखो, जब कोई फ्री में दरबार में मिलना चाहता है तो उसमें भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जैसे आपके पास अब कॉल है ना, फ्री में आप प्यार से बात कर रहे हो ना, फिलहाल आपके ऊपर घटा लो, जब आप मेरे से अब इतना टाइम दे के बात कर रहे हो सर, अगर आप